बीते दिनों मनोरंजन जगत से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई। ऐसा बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस वीना कपूर अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसी अफवाहें थी कि वयोवृद्ध एक्ट्रेस वीना की उनके बेटे ने प्रॉपर्टी के सिलसिले में हत्या कर दी, लेकिन अब मृत बताई जाने वाली एक्ट्रेस वीना ने मुंबई पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। एक्ट्रेस वीना ने उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया जिन्होंने उनकी मौत की झूठी अफवाह फैलाई है। बीते दिनों ऐसी खबर थी कि एक्ट्रेस वीना कपूर मुंबई के जुहू इलाके में मृत पाई गई। हालांकि ये खबर महज एक अफवाह थी। कथित तौर पर उनके बेटे सचिन कपूर पर कई संगीन इल्जाम लगे थे कि अपनी मां की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उन्होंने उनका कत्ल कर दिया, लेकिन इन सभी अफवाहों का खंडन करते हुए एक्ट्रेस वीना कपूर ने खुद अपने जीवित होने का सबूत दिया है। अनुभवी अभिनेत्री को कई लोकप्रिय भारतीय टेलीविजन सीरीज में खास तौर पर 2000 के दशक के दौरान महत्वपूर्ण भूमिकाओं में देखा गया था। उन्होंने कुछ फिल्मों में शानदार भूमिकाएं भी निभाई थी। टेलीविजन में वीना कपूर के मशहूर किरदारों के बारे में बात करें तो उन्होंने मेरी भाभी, अंजुनी, मित्र प्यारेनु, हाल मुरीदा दा कहना, दाल दा गैंग और बंधन फेरों का जैसे शो में काम करते हुए देखा गया। एक्ट्रेस को मेरी भाभी में उनके किरदार के लिए जाना जाता है। ये शो 2002 से 2008 तक स्टार प्लस पर दिखाया गया। वयोवृद्ध एक्ट्रेस वीना कपूर ने खुद अपने जीवित होने का सबूत देते हुए पुलिस से उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है जिन्होंने उनकी मौत की अफवाह फैलाई थी। थाने पहुंचते हुए उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूँ और पूरी तरह से सलामत हूँ। एक्ट्रेस वीना कपूर ने सोशल मीडिया यूजर्स पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि अचानक से लोग मुझे श्रद्धांजलि देने लगे और मेरी बेटी पर झूठे आरोप लगाने लगे। सोशल मीडिया यूजर्स की एक्टिविटी को देखते हुए वो काफी आहत हैं। एक्ट्रेस अपनी मौत की खबर सुनकर काफी परेशान हो गई थी, जिसकी पुष्टि करने के लिए वो थाने पहुंची थी। टीवी एक्ट्रेस वीना कपूर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मैं परेशान हो गई हूँ, मेरी कई तस्वीरें वायरल हो गई और मुझे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं और मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने मेरी हत्या नहीं की है, मेरी मौत की गलत खबरें फैलाई गई है, इस झूठी अफवाह से मुझे काम मिलना भी बंद हो गया है। हालांकि जिस महिला का मर्डर हुआ है उसका नाम भी वीना कपूर ही है, जिस वजह से यूजर्स को शायद यही इंसान पहचानने में गलती हुई है। हालांकि आज वीना कपूर जिंदा है और अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी जिंदगी में मानो ग्रहण सा लगा दिया था। हालांकि अब जब खुद सामने आकर उन्होंने अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई तो सब कुछ साफ हुआ कि जिस वीना कपूर की मौत की अफवाह उड़ रही थी वो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।